भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बहुत से असुरों को आप जान ही चुके हैं, पर क्या आपको एक वैदिक मायावी तलवार के बारे में पता है जो आपको गायब कर सकती थी, आपके खिलाफ जीतते हुए शत्रु को दिखा सकती थी कि वो हार रहा है ताकि वो डर कर भाग जाए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। माइथोलॉजिकल वेपन श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भगवान महादेव के रावण को दिए अजय खड़क चंद्रहास तलवार की। साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रावण ने इस खड़क का उपयोग प्रभु राम के खिलाफ क्यों नहीं किया था। अगर आपके पास भारतीय पुराणों से या हमारी किसी सीरीज से जुड़ी कोई अनसुनी कहानी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। चंद्रहास को तलवार कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि एक तलवार और खड़ग में काफी फर्क होता है। तलवार पतली सी और कम वजनदार होती है तो वही खड़ग काफी भारी और मोटी होती है। चंद्रहास का मतलब है चंद्रमा की हंसी। कई खूबियों वाले चंद्रहास खड़ग की एक खूबी ये थी कि वो आने वाली लाइट को किसी भी एंगल में मोड़ सकता था या पूरी तरह एब्सॉर्ब कर सकता था। अपनी इस काबिलियत के कारण ये एक तरह की ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम निर्माण कर सकता था। यानी उदाहरण के तौर पर अगर कोई योद्धा दाई ओर खड़ा हो तो वो हमें बाई ओर नजर आएगा। उसी तरह ये खड़ग शत्रु को नजर नहीं आती थी, क्योंकि वो अपने ओर आने वाले प्रकाश को अपने आर पार कर लेती थी। चंद्रहास एक बहुत ही मायावी तलवार थी। एक महान योद्धा के हाथ में इसकी माया रचने की क्षमता हजारों गुना बढ़ जाती थी। चंद्रहास में एक विशेष शक्ति थी जो एक साथ हजारों की सेना को स्थिति के विपरीत चित्र दिखाने की काबिलियत रखती थी। उदाहरण के तौर पर अगर शत्रु जीत रहा हो तो ये तलवार उसे दिखाएगी कि वो हार रहा है और उसके सैनिक इधर उधर दौड़ रहे हैं। प्राचीन युद्ध शास्त्र में चंद्रहास खड़ग को सुदर्शन चक्र के समकक्ष माना गया है, तो शस्त्रों में ये त्रिशूल के बाद सबसे संहारक शस्त्र था। रावण को चंद्रहास कैसे मिला इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर उत्तर में घूम रहा था, तब बीच में कैलाश पर्वत आने की वजह से रावण का विमान उसे पार नहीं कर पाता। शक्ति की मस्ती में चूर रावण विमान से नीचे उतरकर पूरे पर्वत को रास्ते से हटाने के लिए उठा लेता है। तब भगवान महादेव रावण को सबक सिखाने के लिए हल्के से अपने पाँव को नीचे दबा देते हैं। पूरा पर्वत नीचे गिरता है। रावण समय रहते अपना हाथ हटा लेता है, पर फिर भी उसकी कनिष्का यानी सबसे छोटी उंगली को चोट आती है। असुर होने के साथ साथ रावण एक महापंडित भी था। वो भगवान शिव की प्रशंसा करने के लिए शिव तांडव स्रोत की रचना कर उसे गाने लगता है। भगवान शिव इसे सुनकर काफी प्रसन्न हो जाते हैं और रावण को अपना चंद्रहास खड़ग वरदान के स्वरूप में देते हैं। साथ ही भगवान उससे कहते हैं कि अगर उसने इसका प्रयोग किसी निहत्ते पर किया तो चंद्रहास वापस कैलाश पर आएगा। महाबली रावण ने रामायण युद्ध में चंद्रहास तलवार का उपयोग क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी हमें एक अलग कथा से पता चलता है। जब रावण ने माता सीता को उठा लिया तो महाबली रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर लंका की ओर जाने लगा। तब जटायु ने यह देखा कि रावण माता सीता को जबरन ले जा रहा है, तो जटायु ने तत्काल रावण पर हमला बोल दिया। जटायु का हमला साधारण हमला न था, न ही जटायु एक साधारण पक्षी था। जटायु ने रावण को काफी घायल कर दिया था। वर्णनों के अनुसार जटायु ने रावण के दसों हाथों को अपने पंजों और चोंच से घायल कर दिया था। रावण ने भी कई तरह के बाण और शस्त्रों से जटायु पर हमला करा। जटायु इससे घायल जरूर हुआ, पर फिर भी घायल जटायु ने रावण की पीठ पर एक भयानक हमला किया और उसकी पीठ को बुरी तरह चीर दिया। जटायु के आगे एक न चलने के बाद रावण ने एक दिव्य तलवार का उपयोग कर जटायु के पंख काट दिए और जटायु पर कई प्राणघातक वार किए। जटायु निहत्ता था, फिर भी जब वो काबू में नहीं आ रहा था तब रावण को मजबूरन चंद्रहास का उपयोग करना पड़ा। युद्ध नियमों के अनुसार ये अधर्म था और इसी कारण भगवान शिव के कथन के मुताबिक उसी वक्त चंद्रहास कैलाश लौट गया। चंद्रहास तलवार का उपयोग रामायण युद्ध में क्यों नहीं किया गया, इसका सही सही उल्लेख पुराणों में नहीं मिलता, पर जटायु वध में आखिर में उपयोगित एक देवी तलवार का उल्लेख मिलता है। उपयोग की गई देवी तलवार कोई साधारण देवी तलवार थी ऐसा माने तो रावण ने इसका उपयोग आखिर में नहीं किया होता। हमने हमारे स्पेस सीरीज के एक एपिसोड हल अर्थ थ्योरी में बताया था
कि चांद और पृथ्वी में बुनियादी तौर पर काफी फर्क है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रहास का निर्माण चांद के ऊपर पाए जाने वाले किसी मेटल से किया गया था। शायद रामायण काल में हमारी पहुंच चांद से भी कई ज्यादा दूर थी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए बताएं।